Good morning students, welcome in online classes of NRPS school. NRPS school की विज्ञान की online कक्षा में आपका स्वागत है. बच्चों हमारा दूसरा पार्ट चल रहा है और दूसरा पार्ट है सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु. सूक्ष्म जीव मित्र या शत्रु जो है इसके अंदर हमने मित्रवत जो व्यवहार करते हैं सूक्ष्म जीव, मतलब जो सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभकारी हैं उनके बारे में हमने पढ़ लिया कि सूक्ष्म जीव जो हैं वो दही और ब्रेड के निर्माण में सहायक हैं, वाणिज्यिक स्तर पर उपयोगी हैं, औषधि निर्माण में उपयोगी हैं, उसके अलावा टीका वैक्सीन जो प्रतिजैविक हैं उसके लिए उपयोगी हैं और मृदा को उर्वरक बनाने में, मृदा को उपजाऊ बनाने में उपयोगी हैं. अब हम पढ़ रहे हैं हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में. हानिकारक सूक्ष्म जीवों में मैंने स्टार्ट कर दिया था कि रोगजनक जो सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें हम कहते हैं रोग कारक या रोगाणु, और ऐसे रोग जो रोगी से फैलते हैं या जल, वायु, भोजन आदि के द्वारा स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जाते हैं उन्हें हम कहते हैं संचरणीय रोग. अब देखो बच्चों, रोग वाहक जो है वो कुछ कई भी हो सकते हैं, जैसे मक्खियाँ, मैंने उदाहरण दिया था मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, तो ये सब क्या हैं, रोग कारक हैं. अब आपको पता होना चाहिए कि कुछ रोग कारक जैसे आए हैं, छोटे छोटे प्रश्न आ रखे हैं, वो अब मैं आपको लिखवाती हूँ इसी के अंदर छोटी छोटी लाइन जिसका वन वर्ड का उत्तर हो सकता है. तो एक तो है मलेरिया किस मच्छर के कारण होता है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है. ठीक है, ये छोटे छोटे बिंदु हैं इसमें जिन पे प्रश्न बनते हैं. दूसरा, क्योंकि नोट्स की तरह मैं आपके लिखवा रही हूँ, दूसरा है एडीस मच्छर, और मच्छर जो है प्लाज्मेडियम का वाहक है. देखो इसमें ये भी लिख लेना, यह मच्छर प्लाज्मोडियम एक सूक्ष्म जीवी होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, ठीक है ना, प्रोटोजोआ वर्ग. प्लाज्मोडियम का वाहक है, ठीक है, यह मच्छर प्लाज्मोडियम का वाहक है, जिससे मलेरिया होता है. एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है. एडीज मच्छर डेंगू के वायरस का वाहक है. अब देखो मच्छर जो है, ये दो चीज़ें हो गई, क्वेश्चन बनते हैं इन पे. सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं, हमें पानी को कभी भी रोका नहीं रहने देना चाहिए, एक जगह रुका हुआ नहीं रहना देना चाहिए. कूलर, टायर, फूलदान इत्यादि में कहीं भी जल को एकत्रित ना होने दें, अतः अपने आसपास के स्थानों को स्वस्थ एवं शुष्क रखकर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं. ऐसे उपायों की सूची बनाने चाहिए जिससे हम मलेरिया को रोक सकते हैं. तो आपको ये चीज़ समझ में आई कि मलेरिया जो है वो उसको हम किस तरीके से रोका जा सकता है. अब बच्चों हमारे सारणी एक दे रखी है, मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले सामान्य रोग, और ये सारणी पूरी की पूरी आपको याद करनी है. कौन से रोग होते हैं, रोग कारक कौन सा है, संचरण का क्या तरीका है, और बचाव के क्या उपाय हैं, ये सारा इसमें दे रखा है. तो हम सारणी बनाते हैं.
मानव रोग, फिर है रोग कारक, फिर है संचरण का तरीका, और फिर है बचाव के उपाय। लक्षण इसमें नहीं दे रखे, बचाव के उपाय दे रखे। पहला रोग है क्षय रोग। अच्छे से समझो बच्चों, पहला रोग क्षय रोग। क्षय रोग को हम बोलते हैं टीबी, टीबी जिसको बोलते हैं ना सामान्य भाषा में ट्यूबरक्लोसिस। पहला रोग क्षय रोग टीबी है ना, यही होता है क्षय रोग। ये जो सूक्ष्म जीव द्वारा होता है वो है जीवाणु। जीवाणु के द्वारा होता है ट्यूबरक्लोसिस, जो है वो जीवाणु है और उसकी वजह से ये होता है। और इसके संचरण का तरीका है वायु के द्वारा, वायु से फैलता है। क्योंकि जो टीबी रोगी होता है उसको खांसी बहुत आती है, और खांसी आने पर जो उसके कण हैं वो वायु में सब तरफ फैल जाते हैं, जो ये जीवाणु है वायु में फैल जाता है, और जब दूसरा व्यक्ति सांस लेता है तो उसमें भी ये वायरस आ जाता है। बचाव के उपाय हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण करना। देखो ये सारे बचाव चार क्लग के हैं, तो मैं चारों का पहले एक साथ लिखवाती हूँ। फिर दूसरा रोग है खसरा। खसरा जो है वो भी संक्रामक रोग है। खसरा जिसको मीजल्स बोलते हैं, और ये खसरा जो होता है वो होता है वायरस से, वायरस या विषाणु कहते हैं इसको, और ये भी वायु के द्वारा होता है। तीसरा रोग जो है वो है चिकन पॉक्स। शरीर पर दाने निकल आते हैं बच्चों इसमें, है ना, चिकन पॉक्स छोटे बच्चों को होता है चिकन पॉक्स, और ये भी जो है वो वायरस जनित रोग होता है, वायरस जनित रोग होता है, और वायु और सीधे संपर्क से ये फैलता है, वायु और सीधे संपर्क। चौथा रोग जो है वो है पोलियो। पोलियो जो है वो भी वायरस जनित रोग है, पहले मैंने बताया था वायरस जनित रोग है, और ये पोलियो जो है वो भी वायु और जल के द्वारा फैलता है। दूषित जल, दूषित वायु का सेवन अगर करते हैं, अपन ले लेते हैं, तो ये फैलता है। अब ये चारों रोग जो हैं बच्चों, ये तो हैं संचरणीय रोग, तो इनका रोकथाम का जो उपाय है वो एक ही है, ठीक है। तो इसकी रोकथाम का जो उपाय है वो लिखते हैं, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रखना, रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रखना, क्योंकि ये संचरणीय रोग हैं, पूरी तरह से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, रोगी की जैसे टॉवल है, कपड़े हैं, व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, रोगी और उचित समय पर टीकाकरण।
उचित समय पर टीकाकरण, है ना, बच्चों को समय समय पर टीकाकरण करवा दें तो इन रोगों से बचा जा सकता है, उचित समय पर टीकाकरण। अब देखो बच्चों, दूसरे रोग, दो रोग हैं जीवाणुओं से, ठीक है, वो है हेजा और टाइफाइड। पांचवा रोग है हेजा, छठा है टाइफाइड। हेजा और टाइफाइड, जो हेजा है वो भी जीवाणु से और टाइफाइड भी जीवाणु जनित रोग है, दोनों ही जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है, जीवाणु से फैलते हैं। और जल और भोजन के द्वारा हेजा फैलता है, जल और भोजन के द्वारा। भोजन द्वारा, जल और भोजन द्वारा, और टाइफाइड फैलता है जल, दूषित जल से। और इसमें क्या है बच्चों, इसका उपाय, बचाव के उपाय हैं व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल और टीकाकरण। इसमें क्योंकि दूषित जल, गंदा जल और गंदा भोजन करने से होता है, इसलिए अच्छी आदतें अपनानी चाहिए, अच्छा पका हुआ भोजन और शुद्ध जल का सेवन। तो व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतें, व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतें अपनाना, अच्छी आदतें अपनाना और भली भांति पके भोजन, भली भांति पके भोजन व भली भांति पके भोजन व उबले जल का उपयोग, उबले जल का उपयोग। तो ये हैं इसके बचाव के उपाय। तो बच्चों समझ में आया, हेजा टाइफाइड जो है वो दोनों ही जीवाणु जनित रोग हैं और जल और भोजन के द्वारा ये फैलते हैं। और व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतें अपनाना, भली प्रकार पके हुए भोजन व उबले जल का उपयोग करने से हम इससे बच सकते हैं। अब बच्चों आते हैं सातवें रोग पे, वो है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस ए, अब जो हेपेटाइटिस ए है वो किससे होता है, वो भी होता है वायरस से। हेपेटाइटिस ए भी वायरस से होता है और जल के द्वारा, जल के द्वारा ये फैलता है। और इसके बचाव के उपाय भी हैं, उबले हुए पेयजल का प्रयोग और टीकाकरण। उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना, पेयजल का प्रयोग व टीकाकरण, टीकाकरण, ये इसके बचाव के उपाय हैं। फिर आता है मलेरिया। मलेरिया जो है उसका रोग कारक क्या है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। और ये किसके संचरण से होता है, मच्छर से होता है। और इसका तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मच्छरदानियों का प्रयोग करना, जल को इकट्ठा ना होने देना, और जो डीडीटी वगैरह है उसका छिड़काव करना, मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित ना रहने देना। तो मलेरिया लिखते हैं अपन, आठवां रोग मलेरिया।
किससे होता है? प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम, ठीक है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ है एक। उस प्रोटोजोआ का नाम भी लिख दिया मैंने। और संचरण किससे होता है? मच्छर से। मच्छर कौन सा? मैंने लिखवा दिया, मादा एनाफिलीज मच्छर। उपाय क्या है? मच्छरदानियों का प्रयोग, प्रयोग मच्छरों के प्रजनन को रोकने हेतु, मच्छरों के प्रजनन को रोकने हेतु कहीं भी जल एकत्रित नहीं होने देना, कहीं पे भी जल एकत्रित नहीं हो, ठीक है। और कीटनाशकों का छिड़काव, तो बच्चों क्लियर? जो रोग हैं, विभिन्न संचरणीय जो रोग हैं उनके बारे में हमने पढ़ा। हेपेटाइटिस जो है वो वायरस जनित रोग हैं, जल के द्वारा इसका संचरण होता है, उबले हुए पेयजल का प्रयोग करना और टीकाकरण करना, ये इसके प्रमुख बचाव के उपाय हैं। क्योंकि दूषित जल पीने से ही क्या होता है, दूषित जल में ही ये वायरस होता है हेपेटाइटिस का। इसलिए अगर अपन जल को, उबला हुआ जल प्रयोग करेंगे तो ये जो वायरस है ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। आठवां है मलेरिया। मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम से होता है और मच्छर जो है वो इसका वाहक है। इसलिए मच्छरदानियों का प्रयोग करना, कीटनाशक दवाइयों को छिड़काना और मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए इस जल एकत्रित नहीं होने देना। तो मनुष्य में होने वाले ये सामान्य रोग हैं और इनको रोकने के लिए ये सारी रोग। अब आपको बच्चों अच्छे से ये चीज़, मनुष्य में होने वाले जो रोग हैं ये आपको समझ में आ गए होंगे। तो हानिकारक रोग होते हैं ये, जो मनुष्य को रोगित कर देते हैं। तो अब होमवर्क के क्वेश्चन लिखते हैं। ये सारणी आप लोगों को अच्छे से याद करनी है। ये जो आठ रोग मैंने लिखवाए हैं, आठ रोग जो है उसके संचरण कैसे होता है और उससे कैसे उपाय है, उसका बचाव का उपाय, वो आपको पूरी सारणी अच्छे से बच्चों याद करनी है। होमवर्क का प्रश्न लिखिए। पहला, मलेरिया रोग के कारक, वाहक तथा बचाव के उपाय लिखो। मलेरिया रोग जो है उसके क्या रोग कारक क्या है, उसका वाहक किसके द्वारा वो फैलता है और बचाव के क्या उपाय हैं, वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न, विषाणु जनित तीन रोगों के नाम, रोग कारक, वाहक व बचाव के उपाय विषाणुओं से होने वाले कोई भी तीन रोग
उनके नाम लिखने हैं आपको, रोग कारक तो वही विषाणु ही होएगा, और वाहक किस तरीके से वो फैलते हैं वो लिखना है, और उसके बचाव के उपाय आपको लिखने हैं। मूल्यांकन के लिए तैयार रहें बच्चों, अगले जो मेरा लेक्चर होगा उसमें आपका मूल्यांकन होगा, इसमें मैंने नहीं लिया है, तो अगले वाले लेक्चर में आपका मूल्यांकन ज़रूर होगा। पढ़ते रहें और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू।